सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आप सबका तेहफूम इनसाइडर में। रुक करते हैं आज के सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण ट्रेन हादसा, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में कई डिब्बे पटरी पर उतरे, 4 यात्रियों की मौत। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पूरा रिजल्ट शनिवार तक ऑनलाइन जारी करें, 22 जुलाई को फिर सुनवाई। वाल्मीकि निगम घोटाले में कर्नाटक सरकार मंत्रियों का आरोप, सीएम व डिप्टी सीएम का नाम जोड़ने के लिए ईडी पर दबाव। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में एलओसी पर फिर घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा दलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। बिहार के मोतिहारी में 4 मजदूरों की मौत, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से गई जान, लोगों ने जमकर किया हंगामा। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। मानसून खत्म होते ही उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त होगी सड़कें, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी सख्ती, ठेली फेरों वालों का होगा वेरिफिकेशन, सभी को दिखाने होंगे कागज। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मिली हार पर कांग्रेस करेगी मंथन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया पहुंचे उत्तराखंड। केदार घाटी में लगातार बारिश से भूस्खलन, रुद्रप्रयाग तहसील के पास हाईवे पर आया मलबा। रुद्रप्रयाग में चोपड़ा डोंगरी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार खाई से गिरने में 2 लोगों की मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।